टाइम हो रहा है सुबह के 10, दिस इज डे 4th, द लास्ट डे, और अभी हम निकलने वाले हैं जयपुर। कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले आप ये देखेंगे शिव जी की प्रतिमा है, देन उसके बाद वो वाला जो हिस्सा है पूरा वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पूरी एक स्टोरी लाइन बना रखी है इन्होंने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स लगा के, और ये कम से कम मैंने एक फ्रेम में कवर किया है, ये तो 1.5 से 2 किलोमीटर का है, एग्जैक्ट कितना है मेरे को भी नहीं पता, मैं देख के डाल दूंगा। और चेकआउट फिलहाल हमने कर ही लिया, 10 बज रहे हैं मान के चले 10:30 तक हम लोग निकलेंगे, और रास्ते में भी एक दो चीज़ें कवर करने की इच्छा है, जैसे कोटा में गरड़िया महादेव बहुत फेमस है आपने देखा होगा, जहाँ पे चंपल घूम के आती है, तो अभी के लिए बस इतना ही है। हमारा पहला स्टॉप है, ये आगर से आगे है, आगर मालवा से, और अगर आप जयपुर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, कोटा की तरफ ट्रैवल कर रहे हो उज्जैन से, ये रूट पे सबसे सीनिक पार्क, रीज़न बीइंग यहाँ पे विंडमिल्स लगे हुए हैं जो कि मैं 360 एक वीडियो में कवर करूँगा छोटी सी, एक क्विक ब्रेक और फिर उसके बाद निकलते हैं। मुकुंद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज गरड़िया महादेव व्यू पॉइंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, आपको 430 रुपये का टिकट लगेगा एक गाड़ी का, और 157 या 158 पर पर्सन इंडिविजुअल का लगेगा, काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है, अभी जून में रेट बढ़ी है, बाकी ये है कि देखने के लिए आपके पास सिर्फ एक महादेव मंदिर है,
एक पैनोरामिक व्यू है चंबल का जो घूमती है, बहुत कॉमन फोटो है राजस्थान में, हर जगह दिखाई जाती है। और बस, और आपकी किस्मत में एक म्यूजियम के साथ अगर कोई थोड़े बहुत जानवर आपको दिख जाए, अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। करंटली वी आर इन गरेडिया महादेव। ये चंबल रिवर है जो उस तरह से घूम के आती है और एक आपको पैनोरामिक व्यू देती है ऐसा वाला। ये राजस्थान टूरिज्म बहुत प्रमोट करता है इसको, ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट नेकेड आई से देखोगे तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं इस फोटो को कम से कम 5 से 6 साल से मैं देख रहा हूँ, बट मेरे को कभी इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगी जितनी आज देख के लग रही है। उधर से गरेडिया महादेव जाने का रास्ता है और सीढ़ियाँ पहाड़ के पत्थरों के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, थोड़ी बहुत बनाई हुई है, रेस्ट आपको ऐसे ही जाना पड़ता है। वो हमारे घर के बड़े बूढ़े इतने एनर्जेटिक हैं कि वैसे ही चले गए, बट ट्रस्ट मी, अगर किसी के पैर वगैरह में ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा आपको एक सेकेंड थाट देना चाहिए। हमने देखा म्यूजियम कोई है नहीं फिलहाल, खुद से ही किया जाके, वीडियोस में आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हाँ व्यू पॉइंट और गरेडिया महादेव के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो वर्थ हैं। मतलब उनकी प्राइस थोड़ी सी ओवर प्राइस है, बट इट इज़ वर्थ इट। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं यहाँ से, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी 3 घंटे 4 घंटे हमें और लगेंगे। टाइम राइट नाउ इज 250, 180 किलोमीटर्स बाकी हैं और तो जस्ट थोड़ी सफाई के लिए रुके क्योंकि इस पे वाइपर्स रेन सेंसिंग मोड पे हो रखे हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कीड़े वगैरह लग के स्क्रैचेस जो पड़ जाते हैं उस पे वो वाइपर चला देते हैं एंड रुइंस एवरीथिंग, तो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं काफ़ी अच्छे खासे। और लोकेशन कुछ ऐसी है, रोड काफी अच्छी है और गाड़ी काफी लाउड है। द टाइम राइट नाउ इज 9:31 और सुबह 10 बजे जैसा कि हम लोग निकले थे, निकलने के बाद आप पूरे 12 घंटे 9.5 घंटे बाद 11.5 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं। और द रीज़न इज़ बीच में अच्छे खासे लंच के ब्रेक थे, 2 चाय ब्रेक थे, एक फ़ोटो सेशन था और गरेडिया महादेव की एक विज़िट थी। तो गरेडिया महादेव के लिए मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट है, इट इज़ वन सच प्लेस जो अगर आप कोटा के थ्रू पास कर रहे हो तो आप एक बार विज़िट करना चाहिए आपको, तो एक उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं। रेस्ट That's all for the trip. 1724 kilometers in 4 days, and the day 4 ends. Or accumulated average हमारा 14.1 रहा है, जिसमें कि हमारी पहाड़ी की भी पहाड़ वाली भी ड्राइव रही है, bad patches पे भी ड्राइव रही है। So that's all for the trip और 4 दिन की जो सीरीज है
इसको क्या बोलेंगे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन हाँ जो भी थी ये जयपुर इंदौर ओमकारेश्वर जो वाली जो पूरी सीरीज है इट विल बी होपफुली इट विल बी अपलोडेड वेरी सून, कोशिश है मेरी। तारीख में बता देता हूँ, आज क्या है तारीख है 22 जो भी है, अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 25 जून, 25 जून है, होपफुली आई विल अपलोड इट वेरी सून। So that's all for the trip. Thanks for watching, everyone. Thanks to the passengers. Left hand se handshake karo. Left hand se handshake karo. Teen aurte hamare senior wo chalege. Wo andar chalege ghar mein. Ab hum bhi chalte. Thanks for watching.